हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का रिलेटिव स्टडी कर लिया था, आई होप सो कि आपको वहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों d ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी ऑर्बिटल जब आपका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, काफी सिंपल और काफी अच्छा कंसेप्ट है। अब जनरली मैं आपको एक लाइन लिखाता हूं, आप उससे समझ सकते हो। जनरली हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब आपका जनरली क्या होता है, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, आपके बॉन्डिंग में जनरली क्या होता है बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं जानना चाहूं तो देखो, एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल। मतलब एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल मतलब आपके एस ऑर्बिटल की एनर्जी आपके पी ऑर्बिटल के एनर्जी के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। जब आपके एस ऑर्बिटल की एनर्जी आपके पी ऑर्बिटल के अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो आपके जनरली एस और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स एनर्जी p ऑर्बिटल्स एनर्जी वी कैन से दैट ओनली s एंड p ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इजिली। मतलब आपका क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। देखो, एस ऑर्बिटल की एनर्जी और पी ऑर्बिटल की एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो इसका मतलब एस और पी ऑर्बिटल क्या होगा, इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। बट डी ऑर्बिटल्स हैज हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी ऑर्बिटल आपका क्या होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है। जब डी ऑर्बिटल आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है सो इट कैन नॉट टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां तक तो समझ में आ गया। तो मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल में क्यों पढ़ा रहा हूं, जब यह आपका डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इस बात को हम इजीली समझते, देखो यहां पर डी ऑर्बिटल की एनर्जी काफी हाई होती है, काफी हाई होने की वजह से ये आपका पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मैं ये वाला कंसेप्ट आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, समझना बात को ध्यान से। देखो अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, आपका अगर एनर्जी का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मैं बोलना चाहूं कि 1s और 3d इन दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा है, इट कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट, ठीक है। 1s 2s, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं 2s और यहां पर 2p, यस एनर्जी गैप कम है, इट कैन टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर मैं बोल दूं 2s
फोर पी इट कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्ड वो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर मैंने बोला 3s और 5d इट कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखो आप देखो यहां पर मैंने अगर लिख दिया 3s 3s 3p 3d या इट कैन टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि जो ऑर्बिटल में हूं उसके बीच एनर्जी गैप क्या हो, लो हो, ठीक है। ऑर्बिटल विच इज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऑर्बिटल विच इज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, विच इज पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल विच इज पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हैज हैव लोअर एनर्जी गैप। उनके बीच एनर्जी गैप क्या होना चाहिए बच्चों, लोअर एनर्जी गैप, ठीक है, लोअर एनर्जी गैप, उनके बीच एनर्जी गैप कम होना चाहिए। तो यहां देखा गया कि 3s और 3d के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है। यहां पर अगर मैं बार बात करना चाहूं कि यहां पर इसको लिखो 3s 3p, ठीक है। तो लोअर एनर्जी गैप, एनर्जी गैप आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मिनिमम होना चाहिए, तभी वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बच्चों काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात की आपका डी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करता है, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में काफी ज्यादा एनर्जी गैप होता है बच्चों, तो डी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो ध्यान से समझना, PCl5, ठीक है, PCl5। अब सेंट्रल एटम कौन है बच्चों, सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, इसका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसका देखेंगे बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा बच्चों जल्दी बताओ, यहां पर आ जाएगा नियॉन, ठीक है, नियॉन, यहां पर आ जाएगा आपका 3s2 3p3, ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊं, कौन से स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका मैं ऑर्बिटल बनाता हूं, नियॉन को तो ऐसे ही छोड़ देता हूं, नियॉन को ऐसा लिख दिया, अब देखो इसका ऑर्बिटल बना देता हूं बच्चों मैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो यहां पर 3s का 3d भी तो होगा, 3s का आपका 3d भी होगा, 3s का आपका 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, ये मैं नहीं बनाता हूं, आगे आप समझ जाओगे, 3s का आपका 3d ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट होता है, तो यहां पर 3s 3p और ये 3d, इसका 3d ऑर्बिटल भी आपका प्रेजेंस होगा। यहां पर कितने क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, 5 क्लोरीन, जब यहां पर 5 क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक क्लोरीन क्या होगा आपके एक्साइटेड, एक एक इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, काफी शानदार घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, काफी शानदार घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, वहीं पर आप लोग डिफीट खा जाओगे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इसका मैं अगर लिखना चाहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मैंने बना दिया ड्यूल, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर एक, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्चुअली में, अब बात समझना बच्चों, अब ये आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं अभी जनरली बता रहा हूं कि किस तरीके से आपका पार्टिसिपेट होगा, ये आपस में, ये जो पांच पांच ऑर्बिटल से, एक आपका 3a से, एक आपका 3p है और एक आपका 3d है, ये आपस में क्या करेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, ये आपस में क्या होंगे बच्चों, हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होके मतलब समझना, हाइब्रिडाइज होके देखो कौन कौन से ऑर्बिटल आपका, कौन सा 3s ऑर्बिटल, ठीक है, 3p ऑर्बिटल, ये तीन आपके 3p ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पर मैं एक कांस्टेंट लिख देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, C1 C2 C3, ठीक है, 3p 3p एक और है, C4, एक कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अभी आप
इसके ऊपर फोकस ना करो, बस आपको मैं ऑर्बिटल बता रहा हूं, ये ऑर्बिटल ठीक है, और एक आपका C5, और आपका यहां पर क्या 3D ऑर्बिटल, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो पांच डिफरेंट 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 कौन से sp3d, कितने पी, तीन पी काम आ रहे, तो sp3d ऑर्बिटल बनाएंगे, कितने बनाएंगे, पांच sp3d ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पर आपके कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुए, पांच, तो पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, पांच क्या बने बच्चों यहां पर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब यहां पर आपके पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से हमको डील करना है। यहां पर ये क्या बच्चों आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या बच्चों आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, बात क्लियर है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पांच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। नाउ अब हम समझते बच्चों यहां पर अब हम समझते बड़े प्यार से कि डी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट किया। तो हमको पता तो पड़ गया sp3d बनेगा, ये तो हमको पता पड़ गया sp3d बनाना है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि डी ऑर्बिटल वो एनर्जी गैप बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल हैज सो हाई, इन दोनों के बीच एनर्जी गैप आपका क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं बात करूं एवरेज रेडियाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसेप्ट एवरेज रेडियाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एवरेज रेडियाई, मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई, इन सारे कंसेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैं एवरेज रेडियाई निकालना चाहूं तो एवरेज रेडियाई आपका 3s का सबसे कम, उसके बाद 3p का, लेकिन 3d का सबसे ज्यादा। ठीक है, अब आप लोग जानते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r माइनस वैल्यू के साथ है। अब जब माइनस वैल्यू के साथ होगा बच्चों तो यहां पर 3s का एनर्जी सबसे कम, 3p का एनर्जी सबसे, इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस आपका सबसे ज्यादा है, मतलब 3d की एनर्जी और 3s की एनर्जी सबसे, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा, ठीक है, इससे हमारा काम नहीं बन रहा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिया, मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई। अब जब मैंने मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई लिया तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई, आप लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, एवरेज रेडियाई, मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई को मैं आपको बताता हूं, देखना यहां पर, ये हो गया आपका, इसमें मैं अलग अलग आपको ग्राफ बनाऊंगा, ये हो गया आपका आर मतलब रेडियस, ये हो गया आपका मतलब यहां पर एनर्जी। ठीक है, ये आपका हो गया एनर्जी। सबसे पहले मैं किसके लिए बनाता हूँ बच्चों, 3s ऑर्बिटल के लिए, सबसे पहले मैं किसके लिए बनाता हूँ बच्चों, यहां पर 3s ऑर्बिटल के लिए। तो 3s ऑर्बिटल के लिए अगर मैं बनाना चाहूंगा तो आपका कैसा बनेगा, इस तरीके से, थोड़ा सा इसको सही कर लेते, थोड़ा सा सही कर लेते बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, देखना ध्यान से समझना बच्चों इस ग्राफ को समझ लोगे तो आप लोगों को आधे से ज्यादा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बना दिया मैंने 3s, ठीक है, 3s का मैंने बना दिया। अब देखो 3p, 3p से पहले कितने नोडल प्लेन आएंगे, ये आपके नोडल प्लेन होंगे, ये आपके नोडल प्लेन होंगे जहां पर आपका मतलब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। ठीक है, नोडल प्लेन होगा, बात क्लियर है। अगर मैं अब बनाना चाहूं तो मैं अब बनाता हूं 3p का, 3p का देखो, 3p का मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखो यहां पर जो 3s आया, 3s का ये वाला 1s वाला पार्ट, ये 2s वाला पार्ट, ये 3s वाला पार्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं 3p का बनाता हूं, तो 3p का देखो मैं कैसे बनाऊंगा, 3p का एक आपका 2s वाला पार्ट, एक आपका 3p वाला पार्ट। ठीक है, ये मैंने बना दिया। और 3d में आपका क्या होगा, 3d में आपके दो पार्ट होंगे, ये वाला 3d को मैं अलग मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, 2p को मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया बच्चों, और सॉरी 3p को मैंने किससे बनाया बच्चों, ब्लैक मार्कर से। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना तरीके से। ठीक है, मैं 3d का बना देता हूं,
ये आपका तो था एस का, ये आपका पी का, और ये आपका देखो डी का। अब देख सकते हो बच्चों ये आपका 3D का है, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका 3D का है, ये आपका किसका है बच्चों 3P का है, और ये आपका 3S का है। अब आप देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई, मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई आप इसमें देख सकते हो कि यहां से यहां तक, देखो मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई मतलब वो रेडियाई जो रेडियाई जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, मतलब यहां पर देखो हायर पीक वैल्यू को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो यहां पर ये यह हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई इसकी, यहां पर ये आपका 3P का था, तो 3P का मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई कौन सा होगा बच्चों, ये वाला, और आपका 3D का कौन सा होगा बच्चों, 3D का कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अरे इसका पीक ना ज्यादा बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखो इसका पीक में ज्यादा बना देता हूं, पीक इसका ज्यादा बनेगा, इसका इससे ज्यादा बनेगा, तो इसको कम कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसका पीक में थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये एक्चुअली में इस तरीके से होता है, पीक पीक मतलब जैसे जैसे मतलब पी और बैटल बढ़ेगा वैसे वैसे पीक इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3S, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3D, 3D का पीक 3D भी बना देता हूँ बच्चों, में अच्छे से समझ लोगे आप लोग अच्छे से, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया आपका 3D। आप देख सकते हो बच्चों यहां पर जो ये आर है, आर का मतलब क्या है, रेडियाई, ठीक है। अब देखो यहां से यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां से यहां तक किसका रेडियाई है, एस का, यहां से यहां तक किसका रेडियाई है, पी और वाइटल का, और अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक किसका रेडियाई है, डी और वाइटल का, तो आप देख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई आपका किसका है, 3D और वाइटल का कम होगा किससे, 3P से, और 3P से कम होगा, और इसका किससे कम होगा, 3S से, मतलब 3S का मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई आपका ज्यादा होगा। एवरेज रेडियाई भले आपका 3S का सबसे ज्यादा सबसे कम हो, लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई आपका किसका मैक्सिमम होगा, 3S का। ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन आर, तो यहां पर देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3D का ऐसा हो जाएगा 3P और 3S, जब मैंने मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई की बात की है तब, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से अब बात यह है कि डी ऑर्बिटल आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। अब देखो यहां पर मैं इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, अगर मैं ये भी आपका इसको भी इक्वेशन वन ही मान लो, इसको भी इक्वेशन टू ही मान लो, दोनों को सिमिलर मान लो, ये आपका एनर्जी के लिए तो ये आपका रेडियाई के लिए। अब अगर मैं इक्वेशन वन एंड एंड इक्वेशन टू को साथ में लिखूं, तो यहां एनर्जी क्या हो रही है, यहां आपकी रेडियाई बहुत ज्यादा है, यहां आपकी कम है, तो दोनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। जो यहां पर सबसे ज्यादा रेडियाई थी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, मतलब काउंटर बैलेंस करेगा, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। और अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी एनर्जी की, तो एनर्जी भी मतलब क्या हो जाएगी, अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखूं, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं कि 3D एंड एनर्जी गैप बिटवीन 3D एंड 3S ऑर्बिटल विल बी मिनिमाइज्ड बाय मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई। तो इसका मतलब अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल
रेडियाई से बात करूंगा तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, दोनों की अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। और मैंने क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट सिमिलर। अब देखो एनर्जी गैप कम आ गया, अब ये आपका एनर्जी, अब ये आपका डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लायक हो गया है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अक्सर पूछते, अक्सर अक्सर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्विस्ट करके। मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को इजिली डील कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों अब हम अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर समझते हैं अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होगा उसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आपको इससे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हम समझते हैं, यहां पर अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों यहां पर कि देखो PCl5 के बारे में हम बात कर रहे थे, PCl5 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो PCl5 में आपका आपका एक डी ऑर्बिटल, तो PCl5 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, पांच, पांच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसको मैं अगर ओरिएंट करूंगा तो पांच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उसको मैं ओरिएंट करूंगा, ओरिएंटेशन उसका मैं देखूंगा, तो आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो आप लोग, ये इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा। ये एक प्लेन में जाएगा, ये भी एक प्लेन में जाएगा, 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों, ये भी एक प्लेन में जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक प्लेन में जाएगा, और यहां से ये आपका लोब इस तरीके से, आपको बताया था कुछ ऐसा शेप, ऐसा शेप मैंने बताया था स्ट्रक्चर में, VBT में, VBT क्या, सॉरी VACPR में, तो स्ट्रक्चर बता के वो अपना साइड हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करना था ना बच्चों, तो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा। ठीक है, थ्योरेटिकली इस VACPR के अकॉर्डिंग जो जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो तो कंफर्म है, लेकिन उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये रहा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, Cl, Cl का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में, आपका p ऑर्बिटल में, Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके कौन से ऑर्बिटल में है बच्चों, p ऑर्बिटल में। तो अगर ये p ऑर्बिटल में होगा तो यहां पर PCl5 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैंने सारे लगा दिए, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में है, तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जब आपका पी ऑर्बिटल में, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हो, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहां पर मैंने Cl का एक एक इलेक्ट्रॉन तो देख सकते हो आप लोग शेप इसका, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर आपका कैसा बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया PCl, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl। ठीक है बच्चों, अब इसको और भी एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से एक और बार एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो अगर मैं बात करूं कि यहां पर Cl एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यू बोल सकते हैं बच्चों, आप ऐसा मत समझ लेना कि सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल में, नहीं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, तो इसके ऊपर 5 डेल्टा प्लस आ जाएंगे, मतलब कितने आ जाएंगे, 5 डेल्टा प्लस। तो Cl एटम इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डेल्टा प्लस चार्ज ऑन फॉस्फोरस एटम इज सो हाई। अब डेल्टा प्लस चार्ज जब आपके फॉस्फोरस एटम पे बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई में जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी ओर क्या करेगा भाई बेटा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, फॉस्फोरस एटम अट्रैक्ट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक
ठीक है, इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या होगा, क्लोरीन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ पर Cl माइनस। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपके फास्फोरस फास्फोरस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फास्फोरस एटम अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल के अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस साइन, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये क्या होगा, सो डी ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बात को ध्यान से समझो कि यहां पर आपका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, तो ही आपका क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर अट्रैक्ट होगा तो आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, अगर मैं इसका शेप बोलना चाहूं, तो क्या होगा बच्चों, ट्रायगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल। आपको एंड ऑफ द टॉपिक में आपको ट्रिक बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। अभी बस हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से कंसेप्ट है इसका, आप लोग इजीली समझ सकते हो। नाउ अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, एक और प्यारा सा कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों। मैं देखो यहाँ पर एक और मैं प्यारा सा कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, पीस यहाँ पर pH 5 कैन नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 इज एग्जिस्ट। PCl5 आपका एग्जिस्ट करता है लेकिन PCl5 आपका एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वाई अब आपको बताना है बच्चों। अब देखो PH5, अगर मैं PH5 का वही स्ट्रक्चर बनाऊं, आप लोग उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका कैसा निकलेगा, इसी तरीके से निकलेगा। PH5 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो PH5, अब ध्यान से समझना, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम होती है, फिर भी आपकी फास्फोरस की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो यहां पर क्या होगा, इन पीएच फाइव ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट जनरेट ऑन, आपके किस पर जनरेट नहीं हो, कैन नॉट जनरेट ऑन फॉस्फोरस एटम एंड इट कैन नॉट अट्रैक्ट डी ऑर्बिटल्स, हेंस डी ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग या फिर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और वही आपका PCl5 के केस में आपको अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, PH5 फाइनली आपका क्या होगा, PH5 कैन नॉट एग्जिस्ट। PH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बच्चों, PH5 में डी ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसकी जगह आपका कौन एग्जिस्ट करेगा, PH3 आपका एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों, PH3 आपका क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि PH3 में आपका डी ऑर्बिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p3। आप देखो यहां पर मुझे 3s2 मैंने बना दिया और मुझे तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मेरे पास तीन हाइड्रोजन एटम है, तो मुझे तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, तीन ही हाइड्रोजन एटम है तो आप क्या चाह होगा बच्चों, ये इजिली यहां पर ये वाले ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे।
ये वाले आपके हाइब्रिडाइज्ड होंगे। हाइब्रिडाइज्ड होके क्या बनाएंगे बच्चों, यहां पर sp3 ऑर्बिटल, कितने, चार sp3 ऑर्बिटल। तो यहां पर आपके चार sp3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब यहां पर आकर आपके चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आप लोग इजीली समझ सकते हो। तो अब यहां पर आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री विद वन लोन पेयर, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री विद वन लोन पेयर, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री विद वन लोन पेयर। बात क्लियर है बच्चों? तो एक लोन पेयर के साथ ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आपका हो जाएगा। आई होप सो कि आपको यहां तक क्लियरली समझ में आया होगा कि डी ऑर्बिटल आपका किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, डी ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पर आपको PH5 के बारे में बता दिया मैंने, PH3 के बारे में बता दिया। तो अब हम समझते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर समझते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बच्चों यहां पर देखो sp3d, sp3d में आपका कौन सा वाला, देखो यहां पर जब मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला था तो कोई भी मैं p और ऑर्बिटल ले लिया करता था। जब मैंने sp2 बोला, समझना बात को, sp2 बोला तो यहां पर s ऑर्बिटल और कोई भी मैं px भी ले सकता हूँ, अब px प्लस py भी ले सकता था, py प्लस pz भी ले सकता था और pz प्लस px भी ले सकता था, कोई भी ऑर्बिटल ले सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पर d जब आता है तो यहां पर आपका फिक्स होता है, सर्टेन कुछ ऑर्बिटल आपके फिक्स होते हैं sp3d में। तो कौन कौन से ऑर्बिटल लेंगे, s, और यहां पर 3p तो लेना ही है, 3p तो लेना ही है। और यहां पर इस चीज का ध्यान रहे कि जो आपका d ऑर्बिटल होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, dz2 ऑर्बिटल। कौन सा होगा बच्चों, dz2 ऑर्बिटल। क्यों होगा, क्योंकि देखो ध्यान से dz2 ऑर्बिटल क्यों होगा बच्चों, यहां पर ये आपका आपका मतलब ये जो आपका ऑन द एक्सिस लॉब है, ऑन द एक्सिस लॉब आपका किस पर होगा, dz2 में होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसको याद रखने का तरीका है बच्चों ये। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसलिए ऑन द एक्सिस लॉब होने की वजह से इसको मैं dz2 की कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं इसके बारे में और भी आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा बच्चों, ताकि आपको और समझ में आ जाए। लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। ठीक है, sp3d2, तो देखते हैं अगला अगला sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वैसे बहुत टाइप के, लेकिन आपको sp3d2, मतलब जो जो अभी मैं बता रहा हूँ शुरुआत में, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों में। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, SF6। अब देखो SF6 का मैं कैसे करूंगा बच्चों, अगर मैं सल्फर का ग्राउंड स्टेट में मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, नियॉन, यहां पर नियॉन, नियॉन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3s2 3p4। बात क्लियर है? अब यहां पर मैंने 3s2 बना दिया और यहां पर मैंने क्या बना दिया बच्चों, 3p4। ए यहां पर 1 2 3 4, और यहां पर मैंने बना दिया आपका, देखो यहां पर मैंने आपका बना दिया 3d। ठीक है, यहां पर मैंने आपका क्या बना दिया, 1 2 3 4, तो यहां पर 3d बना दिया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर 6 फ्लोरीन है तो 6 आपको, और 6 आपको रिक्वायरमेंट है, 6 आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन करेंगे बच्चों। देखो मैंने 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब मैंने 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कर दिया तो सल्फर का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नियॉन, ध्यान से, 3s1 3p3 3d2, ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बना भी सकते हो, देखो यहां पर ये मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है बच्चों, वही आप पुरानी बातें अब रिपीट होगी बच्चों, डी ऑर्बिटल क्यों इन्वॉल्व हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया।
उसमें मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई की वजह से ड्यूअल वाइटल इन्वॉल्व हुआ। अब देखो यहां पर ये जब आपका मिलेगा, ये जब आपका मिलेगा, ये सारे हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब जब ये सारे हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो हाइब्रिडाइज्ड होके 1s 3p और 2d, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, sp3d2 और वाइटल, वो भी कितने बनेंगे, कितने और वाइटल है, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 sp3d2 और वाइटल बन जाएंगे। अब 6 sp3d2 और वाइटल बन गए तो 6 sp3d2 और वाइटल में, मैं यहाँ पर 6 और वाइटल ऐसे ही बना रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि 6 और वाइटल में यहाँ पर ऐसे ही बना बना रहा हूँ, आप लोग इजीली समझना बच्चों, कोई ज्यादा टिपिकल कंसेप्ट नहीं है ये, मैं 1 2 3 4 ये मैंने 6 बना दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बना दिए, बात क्लियर है। अब यहां पर देखो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फ्लोरीन चला जाएगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फ्लोरीन चला जाएगा, फ्लोरीन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और यहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों, SF6, 6 है ना बच्चों, 6 तो 6 आपका इस तरीके से बना देगा और यहां से आपके VACPR ज्योमेट्री का आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, VACPR ज्योमेट्री का आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा होता है बच्चों, यहां पर आप बना सकते हो, यहां पर आप बना सकते हो, देखो मैं बना देता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर मैं यहां पर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये मैंने SF के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ, पहले ये मैंने बना दिया, यहां पर ये मैंने बना दिया, यहां पर ये मैंने इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। अब इसका ओरिएंटेशन के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने बना दिया, एस के एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह होंगे, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन एस का, ठीक है। अब फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों, पी ऑर्बिटल होगा, तो मैं यहां पर पी ऑर्बिटल बना देता हूँ, देखो पी ऑर्बिटल मैं यहां पर बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो फ्लोरीन का मैं पी ऑर्बिटल बना देता हूँ, देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर मैंने पी ऑर्बिटल बना दिया। अब देखो ये दोनों पेयर कर गए, पेयर कर गए तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे आपके कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड, बात क्लियर है, बात क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे, तो इस तरीके से आपका इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है, अगर आप लोग एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल का हमको किस तरीके से करना है वो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये तो आपका सिंपल एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, इसमें हम और भी वेरिएशन ले सकते हैं, इसमें हम और भी वेरिएशन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आगे की ओर दे देखते हैं बच्चों, एक और लास्ट एग्जाम्पल, इसमें एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एक और आपके डी ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग वाला है तो उसको भी देख लेते हैं, sp3d3, और इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी आपका उसी तरीके से, देखो अगर मैं sp3d2 की बात करूंगा तो इसमें एक s और px py pz तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पर dz2 और dx2y2 ये दो ऑर्बिटल ही d के फिक्स्ड है जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों ऑर्बिटल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा बच्चों, ठीक है। तो sp3d3 का मैं सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ बच्चों, कौन सा, समझना बात को, sp3d3 का मैं सबसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूँ IF7, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे, आई का ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, देखो नियो यहां पर जो भी होगा, यहां पर मैं आगे वाला नहीं लिख रहा, मैं पीछे वाला लिख देता हूँ, ठीक है ना, देखना समझना ध्यान से, यहां पर हो जाएगा, यहां पर होगा 5s2 5p5, ठीक है, 5s2 5p5, ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। अगर मैं इसका
और बैटल बनाऊंगा तो कैसा बन जाएगा बच्चों? ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से सर बना रहे हैं। बना दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इस तरीके से आपका है, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अरेंज है, लेकिन मुझे कितने हैं यहाँ पर? 7 फ्लोरीन है, तो मुझे कितने अनपेयर चाहिए बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन मुझे अनपेयर चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर में किस तरीके से करूंगा बच्चों? आप लोग समझ सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने का तरीका, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक, ये आपका यहाँ पर 2 हो गया, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर हो गए, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर हो गए। तो ये एक्चुअली में आई का कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ पर आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन? 5s1, 5p3, 5d3, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में क्या होंगे बच्चों? हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब हाइब्रिडाइज्ड होके क्या बनाएंगे? एक एस ए और 3 पी ए और 3 डी ए, तो कौन सा बनाएंगे? sp3d3, ठीक है। कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 sp3d3 ऑर्बिटल बनाएंगे। अब 7 जब sp3d3 ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहां पर इस बात का ध्यान रहे कि इसका ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा। पहले तो मैं 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली पड़ जाए, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 ये आपका 7, ठीक है। ये आपका समझ लेना आई का इलेक्ट्रॉन, ये आपका आई का इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जानते हो कि फ्लोरीन के कौन से बच्चों? फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल में क्या होता है बच्चों? 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जब इसके एक वैलेंस शेल में 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन किसका? फ्लोरीन का। तो यहां से फ्लोरीन आपका अटैच हो जाएगा। अब यहां पर 7 7 वाला मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको, 7 वाले का शेप क्या होगा बच्चों? 7 वाले का शेप क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ 7 वाले का शेप क्या होगा। तो यहां पर आई बना दिया, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये आपका एफ और ये आपका एफ, और यहां से इस तरीके से ये 2 एफ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर इसको मैं क्या बोलूंगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चों? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका जो ज्योमेट्री होगा इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके शेप को बोल सकते हैं, ठीक है। इसका शेप क्या होगा बच्चों? आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 5 है ना, 5 के साथ आपका 2 पिरामिड बनाएगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाय पिरामिडल। बात क्लियर है? इस तरीके से हम यहाँ पर शेप को देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप आई का ना, आई का वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के भी निकाल सकते हो, सबका हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो इस तरीके से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है? sp3d3 का कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? एक एस करेगा, एक px करेगा, py करेगा, एक pz करेगा, और d में कौन कौन से करेंगे? dxy, dyz एंड dxz, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। जहां पर आप लोग ध्यान रखो, dx2, y2 और dz2 पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर डी ऑर्बिटल से इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है बच्चों। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर करूं, और ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो बच्चों। फिर अब मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ मैं ना ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। उसका सिंपली फॉर्मूला हर बुक में दिया होता है, तो उसको हम ना वो ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 3 मेथड बताऊंगा, तो आप उससे भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।